बढ़ते आगे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। वीवीआईपी इलाके में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। बदमाशों ने फिर लखनऊ पुलिस को चैलेंज दिया है और असलहों से लैस बदमाशों ने डकैती की है। गाजीपुर थाना क्षेत्र में कोरियर कंपनी में डकैती की गई है। कई लोगों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है और पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के रविंद्र पल्ली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस बार डकैतों ने कुरियर कंपनी के गोदाम को निशाना बनाया है और बदमाशों ने कई लोगों को बंधक बनाकर लूट की इस घटना को अंजाम दिया है। तो डकैती की पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। हालांकि पुलिस को जानकारी दे दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमारे संवाददाता अबू तला हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अबू, डकैती की वारदात को अंजाम दिया है असलहों से लैस बदमाशों ने, अभी तक कोई जानकारी पुलिस को लग पाई किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है? जी देखिए, बिल्कुल, अगर आपको बताते तो लगभग 12 घंटे हो गए पूरी घटना को और अभी भी पुलिस के हाथ जो है खाली है। कल ही पुलिस ने एक बड़ी घटना का खुलासा किया था। अमीनाबाद क्षेत्र में बीते 2 दिनों पहले चोरी की घटना हुई थी, बड़ी वारदात थी, उसका कल लखनऊ पुलिस ने खुलासा किया और कल देर शाम ही डकैतों ने लखनऊ पुलिस को एक बार फिर चैलेंज दिया। और गाजीपुर क्षेत्र में एक कुरियर कंपनी थी जहाँ पे सामान डंप होता था और वहां पर रखा रहता था, वहां पर डकैतों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। लगभग 7 से 8 बदमाश थे, असलहों से लेस बदमाश कुरियर कंपनी के अंदर घुसे और वहां पे लगभग 3 से 4 कर्मचारियों को बंधक बनाया, उनको मारा पीटा, जिसके बाद डकैती की वारदात को अंजाम दिया। लगभग 7 से 8 लाख रुपए कैश लेके गए और साथ साथ जो वहां पे सामान रखा था, मोबाइल फोन थे, पावर बैंक थे, वो सब भी डकैत अपने साथ लेके चले गए। फिलहाल जब घटना की जानकारी पुलिस की हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम जो आसपास सीसीटीवी है उनको खंगाल रही है। फिलहाल सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध व्यक्ति और जो डकैत थे वो दिखाई दिए हैं, जिनके लिए पुलिस उनको ट्रेस कर रही है। पर अभी तक 12 घंटे हो गए हैं और बड़ी वारदात हुई है, पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और जिस इलाके में ये डकैती की वारदात हुई है, आपको बता दें तो वहां पे कई बड़े बड़े मंत्री ही रहते हैं और साथ साथ वो जो इलाका है वो काफी वीवीआईपी इलाका है, हर टाइम पुलिस गश्त करती है, उसके बावजूद एक बड़ी डकैती की वारदात हो जाती है और पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। जी जी अबू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।